वेलकम टू मिंक डेवलपर्स। मेरा नाम है जय कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर, हाउ टू सेट ए पाथ ऑफ जावा इन विंडो सिस्टम। तो हम बात करेंगे कि इस विंडो सिस्टम में जावा का पाथ कैसे सेट करना है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो की। तो अब हम डिस्कस करते हैं How to set path of Java and why? क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने सिस्टम में चेक करना है। क्या चेक करना है, आपने ओपन करना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। मोस्टली सब लोगों को पता होगा जो विंडोज यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो भी आपके पास सिस्टम यहाँ पे आपका पाथ सेट हुआ हुआ है, सी, उसके बाद आपका यूजर नेम वगैरह समथिंग कुछ होगा, वहां पे आपने क्या करना है, जावा टाइप करके एंटर दबाना है, मतलब कि जावा कमांड रन करनी है। अगर तो आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होगी तो जावा की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी सारी। इवन आप इसको जावा की जगह अगर जावा वर्जन कमांड भी लिखते हैं तो वहां भी आपको जावा की डिटेल्स आ जाएंगी, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं हुई, पहले नहीं इंस्टॉल, तो क्या करना है, वहां पे आपके पास जैसे ही आप जावा टाइप करके एंटर दबाएंगे वहां पे आपके पास एक एरर आएगा कि बैच इंटरनल समथिंग एरर आएगा कि डिड नॉट फाउंड। तो इसके बाद आपने क्या करना है, तो ये तो हमारे सिस्टम में चेक हो गया कि जावा इंस्टॉल नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, जावा को इंस्टॉल करना है। और जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावा की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जावा मिलेगी। विंडोज है तो वहां पे विंडो की, जैसे मैंने बोला था ना कि क्या है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे JRE, JDK, JVM, लेकिन जो फाइल्स होंगी एग्जीक्यूट होंगी हमारे पास क्लास फाइल, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होंगी। तो आपके विंडोज के लिए आपके पास जावा इसमें इंस्टॉल होगा। जैसे ही आपके पास जावा इंस्टॉल होगा उसके बाद क्या करना है, आपने पाथ सेट करना है। जावा इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सी में आपके पास जावा फोल्डर होगा जिसमें अलग अलग डायरेक्टरीज होंगी, जिसमें आपने क्या करना है, वहां पे बिन को फाउंड करना है, जिसमें आपके यहाँ पे और भी डायरेक्टरीज होंगी, जैसे कि जावा की, जावा सी, जावा पी एंड समथिंग समथिंग। तो ये आपके पास और भी टूल्स होंगे, तो आपने क्या करना है, बिन तक लेके वहां से बैकस्लैश लेके आपने ये क्या करना है, कॉपी करना है। और क्या करना है, उसके बाद माय कंप्यूटर या जिनके पास विंडो 10 है उनके पास माय पीसी लगा होगा। माय कंप्यूटर के बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, जो टॉप राइट में थर्ड या फोर्थ आपका होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, आपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा जिसपे क्या होगा, टू विंडोज डिवाइड होंगी, ऊपर लिखा होगा यूजर और नीचे क्या लिखा होगा, सिस्टम वेरिएबल्स। यहां पे यूजर वेरिएबल्स, तो यहां पे क्या करना है, आपके पास चेक करना है पाथ नाम का, यहां पे
ऑप्शंस होंगी जहां पे आपको चाहिए पाथ नाम का वेरिएबल, जहां पे पाथ नाम का उसमें या तो पहले से एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जहां पे नीचे ऑप्शंस होगी एडिट डिलीट एंड न्यू, तो वहां पे आप अगर आपके पास ऑलरेडी वहां पे कोई पाथ है तो वहां पे पाथ पे क्लिक करके फिर एक पॉपअप ओपन होगा जहां पे पुराने वेरिएबल्स जो सेट हुए हैं आपके पास शो करेंगे, या तो आप उसी वेरिएबल में एडिट करके, एडिट भी कैसे करना है, पुराने वेरिएबल जो सेट हुआ है उसके पीछे सेमी कोलन लगा के जो हमने यहाँ पे बिन तक का पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और या आप वहां पे न्यू भी ऐड, न्यू पे क्लिक करके पाथ सेट ऐड कर सकते हैं, जो आपका पाथ है वो वहां पे पेस्ट करके सेव कर देना है। और इसको सेव करने के बाद जब आप दोबारा जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, वहां पे अब जब आप जावा लिखोगे तो आपके पास जावा का डिस्क्रिप्शन मिलेगी, और इसका मतलब आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल हो चुकी है और पाथ सेट हो चुका है। और अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए है ताकि हम जावा के कंपाइलर को यूज कर सकें। जावा के कंपाइलर को यूज कर सकें, मतलब कि जावा सी। अब मैं आपको इसी लेक्चर में ये भी बता देता हूं कि जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। अगर एक बार पास सेट करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में जहां पे आपका, जिस डायरेक्टरी में आपका जावा का प्रोग्राम आपने रखा है, मतलब कि डॉट जावा फाइल आपने जहां पे भी रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम का नेम है टेस्ट डॉट जावा, ये आपके प्रोग्राम का नेम है, और आपने इसको कैसे करना है, फर्स्ट उस वहां पे पाथ तक पहुंच के उसके बाद क्या करना है, जावा सी स्पेस एंड टेस्ट डॉट जावा, और उसके बाद इसको हम करेंगे इंटरप्रेट। जब आप ये कंपाइल करोगे ये आपकी कौन सी फाइल बनेगी, टेस्ट डॉट क्लास फाइल आपकी यहां पे जनरेट हो जाएगी, मतलब कि आपका बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। अब ये बाइट कोड क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये बाइट कोड आप जहां पे भी जाके उसके बाद ले जाके किसी और सिस्टम में ले जाके वहां पे जावा, अब हम क्या करेंगे, ये कमांड क्या करेंगे, रन करेंगे किसके लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, किसको, बाइट कोड को या क्लास फाइल को। यहां पे हम जावा उसके बाद टेस्ट टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो भी हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तो था लेक्चर हाउ टू सेट ए पाथ ऑफ जावा एंड वाई। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और जिनकी क्वेरीज हैं और प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं जो भी उनकी क्वेरी है। और अगर किसी को अभी भी कोई इसमें क्वेरी है, नहीं समझ आया, तो मैं उनके लिए सेपरेट डेस्कटॉप पे सिस्टम पे डायरेक्टली वीडियो एक बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर किसी को ऐसे जावा पास सेट होने में दिक्कत आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ ये भी रिमाइंड में रखना कि आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं साथ साथ, और जो क्वेश्चन के सही आंसर करेगा ज़्यादा उसको क्या होगा, एक गिफ्ट मिलेगा, किसके, मिंक डेवलपर्स की तरफ से आपके घर पे एक गिफ्ट आएगा, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आ सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलेगा आपको।